सुधुरीबारे लागिछि दिल्लीर कोविड परिस्थिति। हॉस्पिटल गुड़िकरे कमिला ऑक्सीजन र चाहिदा, आईसीयू बेड भी पड़िला खाली। बड़का ऑक्सीजन को अन्य राज्य को देबा पई केन्द्र को मनीष सिसोडिया निवेदन। दिल्ली को सहयोग पई केन्द्र सरकार और हाईकोर्ट को जणाइले धन्यवाद। दिल्ली बासिंदा एवं सारा देश पई खुशी खबर। कोविड र द्वितीय लहर रे अन्यतम अधिक क्षतिग्रस्त राज्य दिल्ली रे लगातार भावरे कम हेबारे लागिछि दैनिक संक्रमण संख्या। केवल सेतिकि नुहे, एक्टिव बा सक्रिय केस संख्या रे मध्य ह्रास जोगु लगातार आरोग्य हार मध्य बढ़िबार लागिछि। फळरे एबे हॉस्पिटल गुड़िक रे गुरुतर कोविड रोगीक संख्या मध्य कम होइछि। आउ आगभळी आवश्यक पड़ुनि अधिक ऑक्सीजन, बरं एबे दिल्ली पलटिछि ऑक्सीजन रो बड़का राज्य। गुरुवार दिन सांबादिक सम्मेलन में एक प्रकाश कर दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली में एक समय पिछले करीब 15 दिन पहले कोरोना के केसेस एकदम बाढ़ की तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ के 35% पहुंच गया था। 80,000 से लेके 1,00,000 टेस्ट रोज हो रहे थे और उसमें लगभग 27,000 तक मरीज आए हैं। 27-28,000 तक पेशेंट्स की संख्या रही है दिल्ली में, वो भी अब घट के नीचे आ गई है। तो एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। पूर्वरु दिल्ली रे पॉजिटिव रेट थिला 35%, मात्र एबे ताहा कम होई पहुंचीछि 14%। से परे कोरोना रो नुवा मामला मध्य कम होई पहुंचीछि 10,400 रे, जहां आगरु थिला 27,000। गुरुतर रोगीक संख्या ह्रास पाइछि, तेणु एबे ऑक्सीजन रो आवश्यकता कम होई पहुंचीछि 582 मेट्रिक टन रे, जहां आगरु थिला 700 मेट्रिक टन। तेणु केन्द्र सरकार पूर्वरु दिल्ली को जेउ ऑक्सीजन जोगाइथिले ताहा एबे बळी पडिछि। बळका ऑक्सीजन को फेराइ नै अन्य राज्य को बांटिबा पई केन्द्र को दिल्ली प्रशासन चिठी लिखिछि बोली कहिछन्ति उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मेट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, जरूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है। कोविड रा द्वितीय लहर रे सबुठ अधिक क्षतिग्रस्त राज्य गुड़िक मध्य थिला दिल्ली। संक्रमित रोगी संख्या बढ़िया सहित ऑक्सीजन रो चाहिदा मध्य हठात बढ़ी जाइथिला। अनेक हॉस्पिटल रे सटीक समय रे ऑक्सीजन न पहुंचीबा जोगु रोगी का मृत्यु घटिबा अभावनीय परिस्थिति सृष्टि करथिला। दीर्घ दिन लॉकडाउन एवं दिल्ली हाईकोर्ट तथा केंद्र सरकार को समुचित परामर्श एवं सहयोग जोगु एबे परिस्थिति नियंत्रण को आसीछि। सेति पई केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाईकोर्ट को धन्यवाद जणाइछंती उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हजारों हजारों जाने समय रहते बचाई जा सकी। दिल्ली रे कोविड परिस्थिति सुधुरीबा निश्चय सारा देश पई आशाजनक खबर बोली कुहा जाय पारे। जदियो अल्प किछि राज्य रे एबे भी संक्रमण शीर्षरे रहिछि, मात्र दिल्ली, महाराष्ट्र एवं गुजरात भली अधिक संक्रमित राज्य रे क्रमागत दैनिक संक्रमण ह्रास एबे आश्वस्ति आनिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आगस्ट न्यूज।